असलम दूरदर्शन केंद्र के स्टेडियो थी अच्छ द पहाड़ी प्रोग्राम लशकारा कैनका असी हाजरे खिदमत हाँ प्रोग्राम भी जी आया को आखते हाँ तो अरकदे आओ नाजरीन उमेद करते हैं तुहत ठीक हो सी राजी बाजी हो सो तो अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम लशकारा दिखते हो सो जी नाजरीन जिस तरह कि अस जानते हैं कि अल्लाह का लख लख करम हाँ कि लगभग हर करा बच्चे हैं ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕਾਰਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਨ ਇੱਕਾਰਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਦੀ ਨਸ਼ਰਨਮਾ ਤੇ ਇੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਾਦ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਸਾ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਤੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਚੰਗੀ ਨਸ਼ਰ ਨਮਾ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਬਾਓ ਕੁਝ ਮਾਰ ਪੀਟ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦੇਨ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਇਜਾਗ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ وجہ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਚੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੰਟ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਦਿਖਣ ਸੁਣਨ ਪੇਸ਼ੰਟ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਮ ਅਕਸਰ ਦਿਖੇਗੇਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨੀ माँ उसको अगर मोबाइल ला छुड़ दिया चाहे फिर वो कार्टून्स दिखता या फिर कुछ और इंफॉर्मेटिव कुछ भी चीज़ दिखता एंटरटेनमेंट वास्ते दिखता मगर ज़्यादा वक्त बच्चा अगर मोबाइल आता बिता सगास्ते अगर वो पहला थोड़ा दिखता फिर वो ज्यादा दिखता तो फिर ये बच्चे वास्ते मुझ ज्यादा खराबी दी गल आ ड्रग एडिक्शन थी भी ज़्यादा बुरे असर मोबाइल एडिक्शन दे हो सकते नाजरीन इस वास्ते बच्चे नाल वक्त गुजारना चाहिए ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸ਼ਰਨਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ گزارਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸੀ ਜ਼ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਥੀ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਸਕੀਮਸ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੀਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸੀਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਵਰ ਲੋਲਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਸਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਥੀਨ ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਤਾ ਅਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮਗਦਮਾਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ वर लौलाब का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट कुपाड़ा जी, और इलाका जोलाब है उस ग्राँ है देवर मैं उतना रहने वाला जी, मेरी में में जी अकादमिक क्वालिफिकेन है मैं पी एच डी जी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इस वे में बसियत सुपरवाइजर तेना आई सी डी एस प्रोजेक्ट सोगाम जो उलाब एक इलाका है सुपरवाइजर कम करना बड़ी चंगी गल तो सीधा मैं नासर साहब जहंगीर साहब को आना तो यह दसो कि तुम तो जो आई सी डी एस डिपार्टमेंट है जिसको असी देसी जबानी बच्च आंगनवाड़ी भी आखते हैं तो असते नाजरीन को इसके बारे में दसो कि कई स्कीम्स आदि ने इस आई सी डी एस जनरली किसको को आखते हैं देखो जी आई सी डी एस जीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सर्विस जी इन सर्विस का ना एक स्कीम एक गौरमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है लगभग उन्नीस सौ पचहत्तर हुई है जी बिल्कुल चूंकि जानते हो कि बच्चों का कोई भी बच्चा में जी कोई कोताइया खास करके खेने पीने रंग जी। ए, जी के रंग भी तो यह इजी चीज है कि अल्लाह बचाव अगर इस बच्चे भी कोई पैदाशी या कोई बड़ा होगा इस एज भी कोई भी बीमारी कोई कमी पेशी रही ए, कमी पेशी पिछे अगर जुलती है इसकी जिंदगी हिस्सा बनती है इसी तरह यूके बच्चे जो पायदा माव पिओन माओ सी आते हैं खास करके जिससे असि गल करते हैं तो इस मकसद में अगर माओ की भी कोई परेशानी कोई इस गजाई की खासकर जी कोई खून की कमी हुई बाकी कोई कमी हो चीज़ें जगह टूरदी और बचे के हिस्से भी बन दिशे बच्चे उ उम्र भी रै सकती हैं अगर अला बचाव इन वक्त इसका कला कमाना होया इसी तरह इन मावों में निकिया बच्चिया भी या इन बाकिया बच्चों में अगर कोई भी यह परेशानियाँ रियां या सह कोई कमजोरिया रही तो अगर टूरदी हैं तो इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन जिस बेलें दिठा कि चूंकि अस को बड़िया बड़ी जॉब्लम उम्र में आंधी इसकी असल वजह है कि बच्चों से बुनियादी स्टार्ट होनी बचपन में शुरुआत होती है <laughs>

भी, भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन्नीस सौ पचहत्तर हो इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नई सी एस है और सर्विस इसको आम अलफाज भी अंगनबाड़ी आखते हैं जी बिल्कुल जी सेंटर होंगे आंगनबाड़ी सेंटर होंगे जिस भी अभी बुनियादी तौर पर

अपने मतलब बिल्कुल क्योंकि गुरबत बेज है या कोई बच्चों को खास उस किस्म का ध्यान भी ना दे तो इसलिए गौरमेंट इस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का प्रोग्राम रखे है जी जीरो स्यू जिसको अ छे साल के बच्चों को अं न्यूट्रिशन देने इसी तरह इस बेच क्योंकि मावा जिन मा बच्चे हो जिससे अपनी उजरद आदत भी आं महीने असी न्यूट्रिश हो मेन्यू जो इस वाले डिस्ट्रिक्ट कमेटिया होर डिस्ट्रिक्ट आप अपनी कमेटी है जी, जी बड़ी साइंटिफिक मैथड दख है उस वक्त की जरूरत को दखते हैं अगर इस वे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट गल करा डिस्ट्रिक्ट कुपाड़ा भी इस वे प्रजेंट मेन्यू चलता है खाने पीने असी इस बे एक खिचड़ी त्रै किस्म की जिसको एक चना खिचड़ी आखते हैं यानी चने मिक्स करके दूसरी मूंग खिचड़ी आंती है इसी तरह तीसरी मटर खिचड़ी आंती है और इसी तरह असी जे नवजात बच्चे होंगे त्रै टू तो छे साल के इस इसल प्रेजेंट भी कार्न फ्लैक्स या जो कारन फ्लैक्स जोड़ा हों दुध बे मिलाकर है सुबह का नाश्ता होता है सुबह का दोपहर को इन को इसी तरह आ्रै चीजा आइए त्रै खिचड़िया दोपहर को देखा इसी तरह हफ्ते भी एक दो दिन असों को बच्चे बच्चों सुबह बिस्किट का भी निजाम होता है बिस्किट भी देने ये कुल मिला के लगभग नौ चीजें इस वे जी असि मुखलिफ जरिया बेनिफिशरिया को दे जी बिल्कुल तो सर ठीक फरमाया तो सको लगता है कि जिड़े भी आ, मतलब मुस्ताक بچے ہیں استے سماج دے استے علاقے دے انہاں توڑی تسی اسکیمہ پوچھتی ہیں تسی مطلب تساں کچھ اوپر تسی ڈپارٹمنٹ اوپر یا مطلب اگر لوکل لیول تا دیکھاں کس تی سرویلنس ہوندی ہے یا پھر تسی بینیفیشری کو لوڑے واسطے تسی کے کچھ کردے ہو کہ جڑے مستحق لوگ ان انہاں تک تسی یہ کھچڑی ہوئی چاہے پھر بسکٹ ہوئے یا پھر کچھ بھی چیز جڑی بھی گزارا ہے کارن فلیکس وغیرہ جڑیو بچے تک پہنچ گچا دیکھو جی اس بھی کہ اللہ دا شکر اج کل सबसे पहला बेनिफिशरी भी अजकल बड़े अवेयर होएन अपना हक लेना जान दिन पहला थोड़ा कोई कमजोरिया मगर हमकल लोग भी समझ दिन कि ये क्योंकि गौरमेंट तरफ एक सर्विस है इसका सो फायदा चेना चाहिए जी। उस बगैर भी इस वे असि जी भी न्यूट्रिशन परचेज करते हैं या बनते हैं इस भी एक असो एक लोकल कमेटी एक है इस जी। जी। भी सरपंच साहब जुड़े होते हैं उससे चेयरमैन आते बाकी इस भी अार्ड मेंबर आन मैंबर आते हैं इसी तरह दो मदर्स उस

ਮਿਆਰ ਦਾ ਤੁਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ बिल्कुल है, सही गल है देखो असं परचेज वेले ही असलो जी कमेटी है अथोराइज कमेटी होती है इसको बाजबता क्वालिटी कंट्री का पूरा लिहाज रखते हैं अभी टेस्ट वगैरह हर चीज़ होती है उस पिछे पका होता है जो हेल्परदा जी आंगनबाड़ी सेंटर भी आती है उसको भी वक्त वक्त ट्रेनिंग भी आती है और सियादी भी आते हैं अलबत उसका चेक करने वास्तु भी उनका एक रूटीन हों कि भी पकाएसी पहले उन्होंने को खुद जी वर्कर है हेल्पर है उनको टेस्ट करना कि किस मिजाज है तो बाकी हस्ता मैं आखरवाइजर हैं असा एक कम होता चेक करना इसी तरह असते सी डी पी ओ आफिसर जेन और भी इसको चेक कर हैं जी, जी।, जी। मैं न्यूट्रिशन कमेटी की गल की अस्ते कंसल सपंच साहब हैं वार्ड मैंबर य भी वक्ति वक्त आके तो इसको दखते रें और इस किस्म ने असी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सही सलामत रखें और अच्छा बने जो बच्चे खेण के लायक हो बच्ची को जड़ा भी बेनिफिशरी है उसको इस भी फायदा हो खेने बिल्कुल ठीक फरमाया बड़ा चंगा लगता है तुम इतनी इन्फॉर्मेशन नाजरीन तक पहुँचाते हो तसा कि अगर कसा जगह कुछ सा लोगों को या जो लोकली तौर तक कसा को प्रॉब्लम आ तो उन्हों को, कस को अपनी अर्जी कहन का कहना चाहिए कि जो आंगनबाड़ी सेंटर आता खाना पीना ठीक नहीं मिलता या फिर अजा भी कसा जा जाए शिकायत आएगा कि राशन आता मगर वो राशन कुछ घर कहन गए कुछ इधर उधर कह गए तो मतलब उसको शिकायत कस को करनी चाहिए एक आम बंद को देखो जी इस बेले लगभग जैसे आख्या कि क्योंकि जिस पिछले पंचायत राज बने जिस पिछे एक पंचायत रिक्रुरमेंट कमेटी एक मुक नहीं दिता अजकल वक्त भी जितने अट्ठ दस मैंबर होते हैं सुपरवाइजर होने इतनी ओपननेस है और अस को एक एप्लीकेशन है मैं सो तो एक पोशन ट्रैकर एक एप्लीकेशन एक डिपार्टमेंट वर्करों को उसमें हर चीज का बिल्कुल ओपन दर्ज रहा हर बच्चा रजिस्टर्ड बचा है क्यों कोई अदल बदल बच्चा असि ना चाड़कते कोई बेनिफिशरी चाड़ते आधार बेस्ड होता बिल्कुल साफ सुथराई भी उस हो, सिस्टम होता इसी तरह खेड़ पीण का भी उस तरह डेली रिकॉर्ड होता है कि खादा आज के सेंटर को देता कि बेनिफिशरी को देता अलबत उस करके भी अगर किसी जगह कोई भी परेशानी होती है कोई प्रॉब्लम होती है हो सकता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है मगर उसके कंसर्न को पहल आंगनबाड़ी वर्कर जी मैडम आगर उस तक गल पहुंचावे हाँ अगर उसके तरफ कोताही है उसके अगर सुपरवाइजर साहब आने सुपरवाइजर फिर गल अगर, अगर अपर उसके हदूद भी आती है तो अपने जरिए उसको सही कर दे, उसको इसलाह कर दे। अगर ना तो फिर आगे जुल के सी डी पी ओ नफिसर होते हैं इस प्रोजेक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट आफिसर, आफिसर हैं तो एक आला सिस्टम है इस भी को जी कोताही रेने की इंशाला कोई गुंजाइश नहीं होती जितने तक अस्ती इंफॉर्मेशन है या जितने तक असर अजकल दखते हैं एक्सपीरियंस है उसकी चलो ठीक है तुम बिल्कुल ठीक फरमाया कि लोगों को भी क्या करना चाहिए तीद दसो कि इस मजीद के स्की हैं तुस वा औरतों वास्ते, और वास्ते कीम बच्चों वास्ते या फिर ज मावं दुद्ध प्यालिया है उन्होंने वास्ते के स्की हैं तुसी? देखो मैं गल करा आई सी डी एस जनरल जी है इस बी सर्विस हाँ मैं एक गल की थी, जी पहली सर्विस जी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जी उसके पीछे अस्ती प्री स्कूलिंग एक सर्विस है खास सर्विस जी। वो एक वो प्री स्कूलिंग सर्विस है कि या बच्चा है ये लगभग त्रै साल, दा। इस, जी। बच्चे को को साल इस बच्चे को कल को छे साल पीछे किसी स्कूल पर जुड़ने इस बच्चे को अं मॉरली हर तरफों मतलब इसकी डेवलपमेंट करा जी। कि यार हो या फर्जा स्कूल वा एक अच्छी तरह एक अच्छा स्टूडेंट बनकर स्कूल में जुड़े तो इस बे इसी हेल्थ का भी इस तरह चेक करते हैं एक अस्ति एक सर्विस है हेल्थ चेकअप हर महीने भी अस्थि डिपार्टमेंट की तरफोंल्थ के डिपार्टमेंट मिलकर असं हर महीने एक हेल्थ चेकअप ही होता है इसी तरह हेल्थ एंड हाइजीन न्यू एजुकेशन एक अस्थि जी असी बिल्कुल इन इनकी जरूरत की है सफाई करके खास करके कह चुके बच्चे या ग्राव में या पहाड़ी इलाके में इन किस्म की बड़ी जरूरत है तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है कि बच्चों को के खवा लो एक तो असि दे सेंटर तरफ मतलब कार भी के चीज़ें लगदी उसते इन चीज़ों की संबंधी अस को इतला आती है इसी तरह इस बच्चा जड़ा पायदा हो जड़ी माँ जी उजर बच्चे इसको वैक्सीन की बड़ी जरूरत होती है वैक्सीन वैक्सीना भी अस्थि ये सर्विस भी अस्थि वर्कर ही करंगनबाड़ी वर्कर करती है कि वो बिल्कुल जुल्कर उतर जिस दिन भी उसको इनके जो कार्ड और एफ सीमी एम सी पी कार्ड जेन इल आन वर्कर अस्तिया कोल उसको को बड़ी नजर आती है कि किस वक्त कि माँ को या बच्चे को कि वैक्सीन करने फौन का उसको एक दिन पहला उसको देनी है और अगर उसको नजर आवे कि इतने इसके सेंटर के आस पास पंजा या दस या बियाँ बच्चों को या माओं को वैक्सीन करने फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट को उधर भी टागती है ताकि वैक्सीन इसका टाइम तो है इस कस्म तक इसको मिशन हो जी जी बिल्कुल तो इसी तरह अगर अस्थि को कोई माँ पैर आती है देखो कोई उजरे बिच है या इसको कोई जरूरत पाएगी अचानक कोई रेफरल सर्विस दी इसको पूरे हेल्थ सेंटर पर जोलने या कोई सेंटर भी जोड़ने रेफरल सर्विस भी अस्थि वर्कर को दिया है, एक अथॉरिटी हों एक इसकी खिदमत है इसकी एक ड्यूटी है कि इस भी मदद करती है हेल्प वाले कंटैक्ट करके उतों उन्हों को आ इस नाल हेल्थ सेंटर तक भी जो लोग है इस माँ पिने इसकी जिस किस्म की मदद हो मदद कर सकती है बिल्कुल 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 ठीक फरमाया इसी तरह यह होगी आई सी डी एस जनरल जिस तुम कर रहे अलबत्ता इस भी कोई नवी नवीम डिपार्टमेंट एड हो रही एस ए करके एक स्कीम है स्कीम फॉर अडल्ट एंड गर्लस जीते

अगरि हिन बचियो वासे ईंदी रहंदी आहे त हिकु उन क्योंकि कुछ बच्ची अगर स्कूल छोड़कर का डिपार्टमेंट तो तो अगर बाकी काउंसलिंग न्यूट्रिशन दें मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बन गया था तो तुसा इसको एज ए ब्रिज पुल कम का, करना चाहिए कि वापस ज्वाइन चाहिए बिल्कुल तुसने सही फरमाया असल यही मकसद डिपार्टमेंट का एक न्यूट्रिशन दूसरा है काउंसलिंग भी सबसे पहले असं काउंसलिंग करते हैं ये यस्ती सेंटर के आस पास अस्त हमसाई होंण जाने वाले हों है तो असं सुपरवाइजर भी के या वर्कर है असं इसते कार जुल अ काउंसलिंग सैशन करते हैं सेंटरों का दे करते हैं जिससे सब सबसे पहले इसको यह माटिवेन करते हैं कि तू कुछ करके पहल स्कूल भी वापस एडमिशन जो अगर इस भी स्कूल भी कोई प्रॉब्लम हो एडमिशन की उतर भी अस स्कूल वाले नाल हैं उसे स्कूल बीच भी मिलते हैं कि असि बड़ी कोशिश स्कूल वाले मिल के भी असी मुझ प्रोग्राम करते हैं अस्ती कोशिश होती है कोश कि कुछ करके इस स्कूल भी ते बड़ी खुशी है मुख इस गल की असं पिछले साल दो बड़ी मेहनत करके लगभग अस कोई भी जी कोशिश नहीं छोड़ी या कोई जी बालक बची नहीं छोड़ी जी स्कूल तक ਸਬਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਇਸਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਾਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਇਹ ਜਾ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਦਾ एक्टिविजम बच्च भी इंसान लग्या रहा तो काफ़ी वर्कर्स तस्तिया मैट्रिक तक पढ़ी दी तो प्री स्कूलिंग वास्ते बच्चों को आ, कुछ एडिशनल सर्विस कुछ टीचर वगैरह उ मकानी मंगानी या खुद ही सर्विस भी देनी है बच्चों खुद पढ़ादी हैं नहीं देखो प्री स्कूलिंग का असल मकसद ये कि एक बच्चे को असको कुछ स्कूल भी पढ़ा पढ़ालने कुछ वर्ड्स उसकूल भी प्री स्कूलिंग एक डेवलपमेंट स्टेज एक बुनियादी जी बच्चे की डेवलपमेंट है खास करके दिल लागे स्कूल का दिल अलग है या इस निेबिट इस भी डेवलपन बुनियाद हैबिट खाने पीने आदाब हो इसको के खीने के पीने डिस्पलिन जबते बयानने बच्चा इसको अस फ्रेंडली माहौल ना ਅਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਾ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਖਾ ਸੈਲਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਲਬਤਾ ਉਸ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੇ ਇੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ ਆਧਾਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤੁਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਘਰ ਗਈਂਦੀ ਹੈ ਕਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਸ ਕੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆ ਕਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਤ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਮੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ अगर मतलब और बाकी डिपार्टमेंट दिया से, मगर तुम सह कि इसकी बड़ी मजबूरी आ सी आधार की खास करके असं अगर अपने इलाकों में देखा खास करके पहाड़ी लोगों में या उतना ग्रह यधार को सेंटर जोड़ा बने सोच एक या दुख हों से मुझ घट आए से ऑपरेटर अलबत्ता चूंकि जरूर सब दी और सब की मजबूरी आ इस करके अस्ते डिपार्टमेंट्स एक फैसला किया कि असी अपनी कुछ वर्करों को ट्रेन करा जिड़िया अस्तिया ग्रेजुएट वर्करें या जोड़ा जानने अच्छी हैं त उहे असां हर पोज में तै तव वर्कर इनिशली ट्रेन की उ सवा असां थोरो आधार ऑपरेटर अ डिपार्टमेंट कोल मंग आहे त इहे चार यानी तै वर्करियूं हूंदियूं आहिनि बड़ा आधार ऑपरेटर हूंदा इलके असांखो इन वर्कर इहो फ़ाइदा की कसी कि बि ग्रां बि कसी बि दूर दर इलाक़ बि अगरि असां कोई को ज़रूरत पईंदी आहे या असां कोई इंफॉर्मेशन या वर्कर जी तरफ़ो या ग्री असां आसन जी इते बचे दस या बेनिफिशरी दस आहिनि जिं आधार बणिंद असि तुरंत उन्हों को रोस्टर बनाकर जोल दे और बन दें आधार बन देन आता चाली हो जमा करके बिल्कुल अपने ग्राम परेशान बड़ी दूर हो और आधार बनना बड़ा आसान हो गया आधार बढ़ाए वास्ते बच्चे को अके के फॉर्मैलिटी होनी चाहिए जिसना उसका आधार बन सकिया की अच्छा फॉर्मैलिट भी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई बच्चा जिसका आधार बनना उस को कागज होने चाहिए देखो इसते आधार ऑपरेटर ने पहलें जुड़कर उतने इस गल, गल बात कर हैं पूरी कि की, की, की एक क्योंकि गवर्नमेंट की पालसिया इस बीम चेंज भी हो रॉर्मेलिटिया इस बेलें जितने तक मी इंफॉर्मेशन है एक डेट ऑफ बर्थ इन बच्चों की होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ अजकल जी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ पहला कोई और बाकी डेट ऑफ बर्थ भी चल दिया असिया इस बेलें जब तुमको पता हो उस भी डी ओ साहब जी डेट ऑफ बर्थ देने वो होनी चाहिए और एक फोटो लगता है अलबत् अस्ते जमें वर्कर ने सिर्फ पाँ साल तक बच्चे का आधार बढ़ा सकते हैं ये उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है और फोटो होता है और उस आधार देले जो बच्चे का अंस बने पाँच साल तक उस वास्ते जरूरी होता है कि माँ या प्यो एक बच्चों ये कुत्ता जरूरी होता है कि या पंज साल तक कुछ आइडेंटिटी चीज़ माँ प्यो देंदीन ਜੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ थी ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਦਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸ ਕੋ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਅਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਲ ਸੀ ਉਪਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕੇ ਬੜੇ ਉਸ ਸਭਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਲਬਤ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋ ਤੁਹਬੀਦਾ ਤੁਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਲੋਕਲੀ ਕਰੀ ਜਹਾਲੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਲਬਤ ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕੋਈ ਉਸਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਤਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਜੋਲਦੇ ਆ बिल्कुल कर बिल्कुल मैं बड़ी इत बड़े जी इसल बड़े क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी गल तो आखता आप जुल के चेक कर सकते हो इसका बड़ा फायदा हो मैं अपनी मिसाल दे कि मेरे घर भी जुल के अदर ऑपरेटर बच्चे बचेना आधार कार्ड बनाया मैं कुरे, किसी जाई ना गया बल्कि घर भी इसी तरह अर्ज जाई असा हो तो ए, इस वे भी प्रास चल है क्योंकि बच्चे नवे भी जमदन अगले बड़े होते इस चीज की को बिल्कुल खुशी है कि अस इस भी बड़ी मदद कीती है लोगों की एज ए सर्विस दी है

तुसें तो बड़ा अच्छा सवाल था मैरिज एसिस्टेंस के बारे में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन भी है देखो सबसे पहले जिसमें स्कीम चल दी आसी लगभग चार या त्रै साल पहले की गल है इस स्कीम डिपार्टमेंट के थ्रू प्रास फारमैलिटिया असं तक आदियां सी आई सी डी एस तक कोई वेरीफिकेशन या बच्चों तक या जो पेड़ पढ़दिया फार्म उनका कोई इनरोलमेंट नंबर वगैरह असी दे मगर गौरमेंट सुन पिछले लगभग दो साल हो गए बिल्कुलु इ चेंज कई थी स्कीम दी। जी अॼुकल्ह फुली ऑनलाइन स्कीम है। ऑनलाइन होंगी इस भी कोई डाकूमेंट लगे को हाजिर होते हैं आम जे कंप्यूटर सेंटर वाले को पता होता कोई पांच छह डाक्यूमेंट लगते हैं इस वे सोशल वेलफेयर दिखता है तो लोगों को चलो कंफ्यूजन भी क्लियर हो गए ना कि आईसीडीएसल इस वे इसका कोई राबता नहीं

स्कीम स्कीीम को दी है यानी अस इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो स्कीम यह है कि ज़ियां, ज़ियां भी भी जी अस्थिया उजरे पर मावं पहले बच्चे तो पांच हजार रुपया इन्ह को कैश प्राइज होना है। जी। मगर इसकी शर्त है कि एक पहला बच्चा होना चाहिए जी उसका कोई नहीं उजरा भी बचा मेल फीमेल हो उसकी कोई शरत नहीं अलबा बचा पहला होना चाहिए तो और शर्त इसकी है कि आप जी अस्थि माँ भैने एक कोई गवर्नमेंट इंप्लाई नहीं होनी चाहिए बस दो शर्तें इस है। बाकी बिल्कुल आसान है। स्कीम है, बिल्कुल आसान है इस भी दो चार डॉक्यूमेंट्स लग हैं अपना आधार कार्ड हो है। इस, है। इस, इस जी फार्म भरसी अस्ती मां पेंड इसका आधार कार्ड होर कार वाले का हो बैंक का एक पासपोर्ट देखो बैंक अकाउंट का और इसी तरह एम सी पी कार्ड एक उस फोटो कॉपी चार डाकूमेंट लगते हैं बड़ी आसानी ला स्कीम रजिस्टर हो गई है इस भी त्रो किस्त में पैसे ने पहला जड़ा छे महीने अंदर अंदर जी मां पेरेंस की उजर भी होती है महीने के अंदर अंदर पहला फार्म भरने इसको इसलिए इसका एक हजार रुपया कैश प्राइज होता छे महीने पीछे दो फार्म भरने फार्म बी उसका दो हजार रुपया इसका कैश प्राइज मिल दे। जी। इसी तरह जिसलिए बचा पाएगा उस बच्चे की वैक्सीन पूरी उसने लगभग सवा त्रै महीने तो उस पिछले फार्म सी पारक है और दो हजार दो हजार रुपए के कुल मिलाकर लगभग दो चौ महीने में पांच हजार रुपया मगर मैं आखना कि बिल्कुल आसान स्कीम है कोई बड़े क्राइटेरिया नहीं बल्कि अप्लाई अपलाई ना होनी चाहिए इसका बड़ा फायदा चाहिए कोरोना करोड़ों बच्च अ डिपार्टमेंट सुन पैसा दिता तो यी अच्छी स्कीम है तो लोगों में अवेयर भी है अलबत अगर अस्तित्व तरफ भी अच्छी किसी को गल पी जी बिल्कुल चं ग बड़ी चं इंफॉर्मेशन दी बहरहाल मैं तुसों गला तो और मुझ भी करनिया असं बहरहालस्ते स्टूडियो की काड़ी का इशारा हो गया तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम अस्ते प्रोग्राम बिच आसते अ बेहद शुक्रगुजार हाँ शी शुक। नाजरीन या अच्छा आसता पहाड़ी प्रोग्राम अपने दे देजबान अयाज फारूक इजाजत अल्लाह हाफिज़